मैं आज बनाने जा रही हूँ भुट्टे की सब्जी। भुट्टे को लेकर हमें इसे कद्दूकस करना है ऐसा, और थोड़ा सा इसमें बेसन डालना। मैं बेसन डाल रही हूँ। अभी देखिए, लाल मिर्च है 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी है, हरी मिर्च है, गरम मसाला है, और नमक है, लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, हरा धनिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला है, 1 चम्मच ऑयल डाला है हम। अब देखिए, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, फिर हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और फिर हम इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब हमको इसको अच्छा भूनना है। हम लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब इसको मैं प्याज और लहसुन को पकने के लिए रख देती हूँ। प्याज और लहसुन का पेस्ट पक गए, लाल पड़ गए। अब इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक तो डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमने पानी डाल दिया है। अब 2 मिनट के लिए मसाला पक जाएगा। हम इस पेस्ट में पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये पेस्ट बन गया। अब हम इस मसाले में डाल देंगे इसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। अब इस थाली को उठा के देखते हैं सब्जी बनी कि नहीं बनी। देखिए आप, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। इसे ज़्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि नीचे से जल जाएगी। बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसमें। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। देखिए, ये सब्जी दिखने में बहुत अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी है, और आप बना के सबको खिलाइए।